से तो आज यूरोप में बात करने वाले किस चीज की, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है यार, तत्तर तत्तर की मतलब डैंड्रफ की यार। यार ये जयपुर, मतलब मैं तो जयपुर में मिलो, हमारा जयपुर है, कश्मीर नहीं है, जो स्नो फॉल टपका रहे हो तुम लोग, यार डैंड्रफ निकालना बंद करो अपने माथे में खुजला खुजला के। यार मैं तुमको बताता हूँ उसको कैसे परमानेंटली रिमूव करना है। चलो वीडियो की तरफ, पहले बात कर लेते हैं डैंड्रफ कितने टाइप का होता है, कितनी तरीके से हो सकता है आपको। सबसे पहले ड्राई स्कैल्प की वजह, ड्राई स्कैल्प की वजह से मतलब आपकी स्किन है जो हेयर के अंडर है, स्कैल्प है वो ड्राई हो चुका है, उसकी वजह से छोटे छोटे जो होते हैं ना वो डैंड्रफ के फ्लेक्स गिरते हैं और आपको बालों में इरिटेशन नहीं होती, लेकिन इची स्कैल्प होता है, सर उसमें खुजली करने का मन करता है, ऐसे ऐसे कर मतलब शरीर पे नहीं बालों में खुजली खुजली करने का मन करता है, इची स्कैल्प हो जाता है। और जो फ्लेक्स होते हैं वो छोटे होते हैं और ड्राई होते हैं। ड्राई स्कैल्प होता किसकी वजह से है, आप अपने बालों को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अब मैं इसके क्योर्स भी बताऊंगा बाद में। सबसे पहले अपन सेकंड टाइप ऑफ डैंड्रफ की बात कर लेते हैं जो होता है ऑयली स्कैल्प वाले। तुम तो सोचते होगे अरे यार हम तो वाले तेल लगा, तू ड्राई स्कैल्प वाले तू कौन है, हमारे को कभी डैंड्रफ नहीं होगा, कभी जिंदगी भी नहीं होगा। लेकिन 50% तुम भी वो लोग होते हो जिनको डैंड्रफ से सफरिंग होती है, फ्लेकिंग की वजह से सफरिंग होती है, आपके भी पीले और व्हाइट कलर के फ्लेक्स निकलते हैं, लेकिन वो छोटे नहीं होते ड्राई स्कैल्प जैसे, बड़े होते हैं, मतलब इतने बड़े भी नहीं इतने होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और येलोइश व्हाइट कलर के होते हैं, ऑयलीनेस की वजह से होते हैं। और आपके सिर पे मतलब स्कैल्प पे एक यीस्ट बैठी होती है, वो होती है मेलेसीजिया यीस्ट, उसको ग्रोथ होती जाती है होती जाती है होती जाती है, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। और वो ग्रोथ क्यों करती है, उसका खाना क्या है, एक्सेस सीबम एक्सेस ऑयल, जितना ज्यादा ऑयल मॉइस्चर होगा वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी अपने बच्चे पैदा करती जाएगी। तो समझ जाओ जितना ज्यादा ऑयल बिल्डअप बना के रखोगे उतनी ज्यादा वो यीस्ट बढ़ेगी, डैंड्रफ के फ्लेक्स गिरते जाएंगे और इची ऑयली और रेडिश टाइप का इरिटेटेड स्कैल्प हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं ड्राई स्कैल्प के कॉजेस के बारे में। ड्राई स्कैल्प होगा तभी ड्राई स्कैल्प वाले छोटे छोटे फ्लेक्स वाला डैंड्रफ होगा, ठीक है। तो आपको कैसे लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, सबसे पहले दारू पीना बंद करो, क्योंकि उसकी वजह से स्किन पूरी डिहाइड्रेट हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो गई मतलब डैंड्रफ होना ही होना है, क्योंकि ड्राई स्कैल्प भी होगा। जो सेकंड होने वाला है, आप बहुत ज्यादा तैराकी कर रहे हो, यार तैराकी कर रहे हो तो उसकी कैप भी आती है, वो भी जरा खरीदना सीख लो यार, वो खरीदो ताकि बालों में पानी नहीं जाए, पानी में क्लोरीन होता है उसमें, वो बालों को ड्राई करेगा तो डैंड्रफ होगा। जो थर्ड होने वाली है वो होने वाली है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये क्या चीज होती है, शांति रखो समझा दो। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होता है, आपके हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से आपको डैंड्रफ हो जाना, उसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स का प्रेजेंस होना जो आपको इरिटेट कर सकते हैं, आपकी सेंसिटिव स्कैल्प को इरिटेट कर सकते हैं। वो इंग्रेडिएंट्स मैं ये डाल रहा हूं, आप इधर पढ़ सकते हो, इनको आपको इग्नोर करना है, ऐसे हेयर प्रोडक्ट को उठा के फेंक देना सालों को, किसी काम के नहीं है यार, डैंड्रफ कर रहे हैं यार। फोर्थ रीजन होने वाला है ड्राई स्कैल्प वाले डैंड्रफ का, क्या, कोल्ड एयर, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, ह्यूमिडिटी है नहीं, सारा मॉइस्चर चूस गया है इसीलिए डैंड्रफ हो रहा है और आपको ढंग से कंडीशनिंग और मॉइस्चराइजिंग करनी है तब नहीं होगा। जो फिफ्थ पॉइंट होने वाला है एज फैक्टर, 16-25 की एज में आपका सीबम ऑयल जो होता है ना आपके बालों में वो फट रहा होता है यूं तरीके से, लेकिन उसके बाद कम होता जाता है एज के साथ, तो डैंड्रफ बढ़ता जाता है क्योंकि ड्राई स्किन वाला ड्राई स्कैल्प वाला डैंड्रफ होता है। जो सिक्स पॉइंट होने वाला है स्ट्रेस, सारा दिन चिल्लाते मत रहो, गुस्सा मत करो, उस वजह से भी हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से भी डैंड्रफ हो जाता है। अब मैं बताने वाला हूं आपको क्योर्स, आपको क्या करना है, मॉइस्चराइजेशन बिल्कुल ढंग से करना है, कंडीशनर्स यूज करने, लीव इन कंडीशनर्स यूज करने, सीरम्स यूज करनी है, हेयर मास्क यूज करने और ऑयल्स यूज कर सकते हो, कौन से, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, भृंगराज ऑयल, ताकि मॉइस्चर प्रोवाइड हो, हाइड्रेशन प्रोवाइड हो, सबके लिंक्स नीचे हैं डिस्क्रिप्शन में। और आपको इनको करने के बाद शैंपू भी कर लेना है ताकि वापस ऑयली स्किन वाला डैंड्रफ ना हो जाए, और ज्यादा भी नहीं करना है कि ड्राई स्किन वाला वापस हो जाए। बात कर लेते हैं ऑयली स्कैल्प वाले डैंड्रफ के कॉजेस की, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया आपके सर पे एक यीस्ट रहती है मेलेसीजिया, मेलेसीजिया क्या करती है, सेल का ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, उसकी वजह से डेड सेल का जो प्रोडक्शन होता है मतलब डेड सेल्स वो होते जाते हैं और वो आपके सर पे जमा होते जाते हैं, फिर वो क्या होता है येलो कलर के बड़े बड़े फ्लेक्स में गिर जाते हैं, तो वो क्या हो गया डैंड्रफ, आप येलो फ्लेक्स वाला डैंड्रफ, बड़े बड़े फ्लेक्स वाला डैंड्रफ। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं, मॉनसून में ज्यादा होता है क्योंकि बालों में पसीना ज्यादा आता है, मॉइस्चर ज्यादा होगा, यीस्ट का ग्रोथ बढ़ जाएगी, डैंड्रफ भी बढ़ जाएगा। और बालों में जो जिम जाते हैं पसीना मारते हैं, सर में पसीना रख के सो जाते हैं, नहाते नहीं है, इसकी वजह से डैंड्रफ होता है, शैंपू ढंग से करते नहीं है उसकी वजह से भी डैंड्रफ होता है क्योंकि बालों में बिल्डअप कॉज हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके क्योर्स की, आपको शैंपू रेगुलरली करना है 2-3 बार डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर टाइप, बैलेंस करना है, नहीं तो ज्यादा ऑयली भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो डैंड्रफ कैसा भी हो सकता है, ऑयली या ड्राई। और आपको क्या क्या चाहिए, एक्सफोलिएशन करना है बालों के अंदर
हफ्ते में एक बार किन किन चीजों से कर सकते हो, लेमन जूस से, ओनियन जूस से, और चारकोल भी यूज कर सकते हो आप चाहो तो, और ग्रीन टी और टी ट्री ऑयल का भी यूज कर सकते हो, और बेकिंग सोडा और एप्पल साइडर विनेगर, और विनेगर तो है ही, एसिडिक है, पीएच अच्छी करेंगे, बालों को स्मूथ करेंगे तो काफी अच्छे रहेंगे। और आप शैंपूज भी यूज कर सकते हो, एंटी डैंड्रफ वाले, अगर आपको ज्यादा डैंड्रफ है हफ्ते में एक बार, क्योंकि वो ज्यादा ड्राई भी कर सकते हैं, कीटाकोनाजोल या फिर कोल्टार होना चाहिए उसमें। और मैंने आपको जितने भी आपको एक्सफोलिएशन के मास्क बताए हैं अभी, लेमन जूस वगैरह, उसको आपको वाटर के साथ यूज करना है 1:10 में। जैसे वो लोग ले लें आपको 10 ml, तो वाटर लेना है 100 ml, वो 20 ml लेते हो तो वाटर लेना है 200 ml, ऐसे आपको करना है और आपके बाल एकदम बिना डैंड्रफ के हो जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।